मेरे इस बड़े टैंक को मैंने बनाया था करीबन करीबन 3 मंथ्स पहले, और उसी के कुछ दिन बाद ही उसके अंदर हुआ स्नेल्स का अटैक। धीरे धीरे मेरे इस वाले टैंक के अंदर 100-100 की तादाद में स्नेल्स का बेबी हैच होने लगा, और धीरे धीरे गंदगी और ज़्यादा बढ़ते गया। उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा रिसर्च, और मुझे पता चला इसका खानदानी एक शिकारी मौजूद है जीजिसका नाम है एसेल्सियल स्नेल। मैंने वक्त ज़ाया नहीं करके जल्दी जल्दी 4 एसेल्सियल स्नेल खरीद लिया और छोड़ दिया मेरे इस वाले लोटिस टैंक के अंदर। और उसके बाद दिखा और एक प्रॉब्लम, जो था कि फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम। मतलब जो बड़े बड़े दो पत्थर थे इसके अंदर, उसे भी मुझे रिमूव करना पड़ा क्योंकि फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, पानी साफ नहीं हो रहा था। सब कुछ करने के बाद सारे स्नेल्स के बेबी रिमूव हो चुके थे। मतलब मेरे एसेल्सियल स्नेल ने सारे के सारे बेबी स्नेल्स को, लोकल जो थे, सबको खा लिया था और पूरे टैंक को साफ कर दिया था। सब कुछ छोड़ जाने के बाद आज मेरे टैंक की हालत है कुछ इस टाइम में ऐसा। मतलब यहाँ से पानी का लेवल इतना तक घट चुका है, यहाँ पर जो वाटर मार्क्स का जो डेंट है वो दिख रहा है, देख सकते कितना ज़्यादा डेंट हो चुका है। और यहाँ पर पूरे टैंक में, जिसके ऊपर आज का डेडिकेटेड वीडियो है, मतलब सारे के साइड में देख सकते हैं, मतलब एल्गी हो चुका है। और इस टैंक को बनाने के टाइम मैंने जो एक बहुत बड़ा गलती कर दिया था, डायरेक्ट मिट्टी डाला था, उसके वजह से देख सकते हो एक इस साइड से और इस साइड से बहुत जगह से मिट्टी निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर है दोस्तों छोटे छोटे केंचुए, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जिसके वजह से ये लोग मिट्टी खोद के ऐसे निकाल रहे हैं और मेरे पूरे टैंक गंदा हो रहा है। इसको तो मैं बाद में फिक्स करूँगा, इसके अंदर डीप ऐड करूँगा, मगर आज का वीडियो दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो मैं एक ब्लेड ले लेता हूँ, उसके बाद उससे ऐसे 45 डिग्री के एंगल से पकड़ के रब करने पर देख सकते हैं सारा का सारा डेंट हट रहा है। ऐसे सारा का सारा टैंक में साफ कर दूंगा और उसके बाद मैं डालूंगा इसके अंदर पानी। अब देखिए दोस्तों, तो पूरा का पूरा पानी मैंने डाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है इस वाले टैंक। अभी भी थोड़ा थोड़ा धुलनापन है इसके अंदर, फिर भी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो देख पाओगे कि हाइड्रोफिलिक डिफॉर्मेशन यहाँ से मतलब साइड से निकल रहा है और 2-3 छोटे छोटे। और यहाँ पर देख सकते हो कबुम्बा भी यहाँ पर छोटे छोटे करके निकल रहा है। गौर से देखोगे तो फोकस नहीं ले, जल्दी से फोकस ले ले यार, यहाँ पर से एक निकल रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है। तो मेरा आज का प्लान है, मैं सिर्फ इसके अंदर जो एल्गी इशू है दोस्तों, प्लान के ऊपर आप गौर से देखोगे, मतलब दो छोटे छोटे रुए के तरह उठ रहा है प्लांट से। ये ऊपर भी देखोगे तो ऐसा दिख जाएगा आपको, छोटे छोटे रुआ उठ रहा है यहाँ से। मतलब ये सारा का सारा एल्गी दोस्तों मेरा फिश तो खाता है, मतलब जो गप्पी फिश है इसके अंदर, वो लोग तो एल्गी खा लेता है, मगर ये लोग पूरे बारीकी से एल्गी को नहीं खा पाता है, इसलिए यहाँ पर मेरा प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है। इस वजह से दोस्तों मैंने खरीद के ले आया है चाइनीज एल्गी ईटर, यहाँ पर देख सकते कितना खूबसूरत दिखता है। और मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके इसे लाया है, क्योंकि दोस्तों चाइनीज एल्गी ईटर बहुत जल्दी जल्दी बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एल्गी को खा सकता है। मैंने 2 खरीद के ले आया था, आज ही गल्फ स्ट्रीट गया था, विजिट कर किया था, और यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टेज के वजह से मर गया है। मतलब मेरा टोटली 50 रुपया लॉस हो गया यहाँ पर, मतलब दोनों फिश मुझे 100 रुपया पड़ा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसे इस टैंक के अंदर रखा है ऐसे ही एक्लोमेशन के लिए, मतलब थोड़ा सा सेट हो जाने दूंगा। यहाँ पर हीटर भी लगा हुआ है, पर देख सकते हैं मतलब टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन करके इसके अंदर रखा है। उसके बाद में इसके अंदर ज़्यादा तो काम नहीं है, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस करना बाकी है। और एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हो जो एल्गी है ग्लास का, मैंने उसे नहीं क्लीन किया है, क्योंकि दोस्तों जो एल्गी टर है उसको एल्गी तो खाना है, इसलिए दोस्तों मैं सारा का सारा एल्गी क्लीन कर दूंगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने साइड से देख सकते पूरे एक्वेरियम में साइड से जो ग्लास का एल्गी है उसे रख दिया है ऐसे ही, जिससे कि वो इससे बारीकी से खा पाए। और वही देखना है कि वो कितना जल्दी खाता है, आप लोगों को भी अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल मैं करने वाला यही हूँ कि जो इस साइड से जो आ रहा है देख सकते हैं, जो जंगल बेल के जो लीव्स से ये एक्स्ट्रा लीव्स को मैं काट दूंगा, जिससे कि मेरा इस वाले प्लांट को ऊपर से अच्छे से रोशनी मिलेगा और दोस्तों बढ़ने में भी थोड़ा सा जगह मिलेगा। और जो यहाँ पर देख सकते हैं हाइग्रोला प्लांट है, हाइग्रोला प्लांट को भी मैं इस साइड से काट दूंगा और थोड़ा सा सामने लगा भी दूंगा। और जो मेरा कुबुम्बा है, कुबुम्बा तो देख सकते हैं कितना सारे कल्चर निकल रहे हैं यहाँ पर से, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आबादी बढ़ चुका है इन लोगों का। तो मैं इस बड़े वाले कुबुम्बा को काट के
फिर से उसे लगा दूंगा वही पूरी। तो चलो दोस्तों एक एक करके सबसे करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो जंगल में के लीव्स से एक्स्ट्रा लीव्स उन्हें काटने वाला हूँ। चलो लगभग यहाँ का सारा काम हो चुका है। देख सकते हैं मैंने हाइग्रोला को ट्रिम कर दिया है, पीछे जंगल फिल को भी ट्रिम कर दिया है, एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहाँ पर तो हाइग्रोफिल डिपार्टमेंट को ट्रिम करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब फाइनल और जो जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, मेरे कबुम्बस को ट्रिम करना। मैं बड़े वाले कबुम्बस को काट लूँगा ऐसे, और काट के उसका रूट थोड़ा सा छोटा करके साइड में लगा दूंगा, डिस्टेंस मेंटेन करके। ऐसे ही मैं सारे के सारे कबूमर्स को एक के बाद एक लगा दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों कैसा खूबसूरत लग रहा है। टैंक के अंदर का सारा काम हो चुका है, देख सकते हैं सारा का सारा प्लान मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिया है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों इस फिश को मैं तो फिलहाल इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों अभी भी अभी ये आया है सुबह को, अगर ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेस में डाल दूँ तो पहले वाले की तरह ये भी मर सकता है। इसलिए मैं आज इसे नहीं दूंगा, मैं कल सुबह को इसको इसके नए टैंक में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो हो चुका है दोस्तों सुबह, अब टाइम है दोस्तों टैंक पर एक नज़र डालने का। जस्ट लुक एट दिस टैंक, मतलब टैंक को जिस भी एंगल से देखोगे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब मेन जो काम है दोस्तों हमारे फिश को इसके अंदर छोड़ने का, सबसे पहले तो धीरे धीरे मैं इसको एक्लोमेट करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पहले वाली की तरह ये भी मर जाए। और 10 मिनट बाद मैं इसको छोड़ूंगा इसके अंदर। फिश को यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा एक्टिव है, और इसके एक्लोमेशन भी खत्म हो ही चुका है। अब टाइम इसको इसके नए घर में इंट्रोड्यूस करने का, तो चलो इसे धीरे से छोड़ देते हैं। तो टैंक में आते अपना काम शुरू कर दिया, देख सकते हो कितने बारीकी से ये पर एलगी साफ कर रहा है। अब देखना यही है कि मेरे इस पूरे टैंक के एलगी क्लीन करने में इसे कितना टाइम लगता है और कितने बारीकी से अपना एलगी खाता है। तो ये वीडियो दोस्तों यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे गप्पी इसके बेबी दिख रहे हैं उनके ऊपर आएगा एक नया टैंक सेटअप, और क्या फीडिंग देना है गप्पीज के बेबीज को जल्दी से जल्दी ग्रो करने में और सुंदर कलर लाने में। तो यही वीडियो आज तक ऐसा ही था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।